बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री और उनके ताऊ पणखेर महाराज में गद्दी को लेकर दो महाराज आमने सामने हो गए हैं। बता दें कि बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जैसे ही रामकथा करने लंदन गए, वैसे ही पणखेर महाराज ने उनकी गद्दी को लेकर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। वहीं उनके ताऊ ने धीरेन्द्र शास्त्री के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग भी की है। बता दें कि धीरेन्द्र शास्त्री ने इसकी अरदास पणखेर महाराज के दरबार में जाकर लगाई है। पणखेर धाम के पीठाधीश्वर गुरु शरण महाराज से मदद मांगी है। उन्होंने आरोप लगाया है कि धीरेन्द्र शास्त्री पर छल पूर्वक गद्दी हत्याने का आरोप लगाया है। पणखेर महाराज ने अपने मन से बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि बागेश्वर धाम के असली उत्तराधिकारी धीरेन्द्र शास्त्री के चचेरे भाई देवेंद्र शास्त्री को बताया है और कहा है कि उनकी हर संभव मदद करूंगा। इस खबर के खुलासे के बाद छतरपुर के दोनों महाराजों में ठन गई है। छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री अपने क्षेत्र में काफी लोकप्रिय माने जाते हैं। वे धाम आने वाले भक्तों की समस्या को पहले से ही बता देते हैं और उसका निवारण भी कर देते हैं। देश विदेश से लाखों भक्त उनके दरबार में पेशी के लिए आ जाते हैं। वहीं दमोह इंदौर बिना में उनके कार्यक्रम में लाखों की संख्या में भीड़ एकत्रित हुई थी।